YouTube चैनल ब्राइट कैरियर एकेडमी कुरावली में आपका स्वागत है। कक्षा 10 गणित अध्याय नंबर 2 की 2.2 एक्सरसाइज लेकर उपस्थित हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, निम्न दोघात बहुपद बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। चूंकि शून्यक ज्ञात करने हैं इसलिए इसे कर दिया शून्यक शून्य के बराबर। अब इसके शून्यक ज्ञात करने के लिए हम आपको दो या तीन विधियां बताते हैं, आपको जो विधि अच्छी लगे उस विधि से आप उस दो घात समीकरण के शून्य ज्ञात कर सकते हैं। किस किस तरीके से कर सकते हैं? एक तो आप दो घात समीकरणों के शून्य या गुणनखंड किस तरीके से करते हैं, पहले और अंतिम का गुणा और अंतिम चिन्ह यदि धन है तो ये संख्या जोड़ने पर आनी चाहिए, यदि अंतिम चिन्ह ऋण है तो ये संख्या घटाने पर आनी चाहिए। तो पहले और अंतिम का गुणा कितना हो गया 8, घटाने पर आने चाहिए 2, 4 दूनी 8, 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे, तो ये हो गए एक्स स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 4 माइनस 2x माइनस के 8 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। इन दो में क्या कॉमन, इन दो में क्या कॉमन, एक्स कॉमन एक्स माइनस 4 प्लस के 2 कॉमन एक्स माइनस 4 बराबर 0, एक्स माइनस 4 दोनों में कॉमन तो एक्स प्लस 2 बराबर 0, जब एक्स माइनस 4 बराबर 0 तो एक्स बराबर कितना आ गया 4। एक बार ये, जब एक्स प्लस 2 बराबर 0 तब एक्स बराबर माइनस 2, पॉइंट आ गए वो शून्य आ गए 4 और माइनस 2। शून्यकों की संख्या आप यह कह सकते हैं मूल आ गए 4 और माइनस 2, ये मूल है इस समीकरण के, क्या है, दो मूल है 4 और माइनस 2, या इस समीकरण के दो शून्यक हैं 4 और माइनस 2। अब इसका हम आपको सेकंड मेथड बताते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0, इसका गुणांक क्या है 1। यदि गुणांक 1 से कम या अधिक है तो सबसे पहले उससे कॉमन लेते हैं, कुल मिला के उसका गुणांक 1 बनाया जाता है। जो ये दूसरा मेथड बता रहे हैं उसके लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बीच वाले पद का आधा करते हैं, आधा कितना होगा 1, और उसका वर्ग किया तो कितना होगा 1, 1 जोड़ दिया 1 घटा दिया ऋण के 8 पहले से लिखे हैं बराबर 0, यहां से यहां तक बन गया एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस के 9 बराबर 0, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस इसे क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बराबर 0। अब वर्गांतर है चूंकि, तो वर्गांतर का क्या नियम है, एक बार घटा दिया और एक बार जोड़ दिया संख्या a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहां हो गए एक्स माइनस 4 और ये हो गए एक्स प्लस 2 बराबर 0, जब एक्स माइनस 4 बराबर 0 तब एक्स बराबर 4, एक ये आ गया मान, एक इससे एक्स प्लस 2 बराबर 0 तो एक्स बराबर कितना आ गया माइनस 2, इससे 2 उसके मुंह निकल आए हैं शून्यक 4 और माइनस 2। एक दो घात समीकरण के लिए आप जानते हैं क्या दो घात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जब ये दो घात समीकरण है तब श्री धराचार सूत्र से, श्री धराचार सूत्र क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, और सवाल दिया गया आपको क्या, एक्स स्क्वायर
माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तुलना कर दी, जब तुलना करेंगे तो ए की जगह क्या रखा है 1, बी की जगह क्या रखा है माइनस 2, सी की जगह क्या रखा है माइनस के 8। श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक्स बराबर ये प्लस के 2 हो गए प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2 का वर्ग माइनस 4a, सी की जगह माइनस के 8 बटे 2a की जगह 2, एक्स बराबर 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस के 32 बटे में 2, एक्स बराबर 2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 36 बटे 2, एक्स बराबर 2 प्लस माइनस 36 का कितना 6 हो गया बटे 2। धन चिन्ह लेने पर, एक बार धन चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो 2 धन 6 बटे 2 8 बटे 2 यानी एक मान आ गया कितना 4। ऋण चिन्ह लेने पर एक्स बराबर 2 ऋण 6 बटे 2 ऋण के 4 बटे 2 कितना आया ऋण के 2, इसके 2 शून्य आ गए 4 और ऋण 2। तो ये आपके पास 3 मेथड है, जब शून्यकों को पूछा जाता है आप इस तरीके से फैक्टर कर सकते हैं, आप इस तरीके से उनके मूल निकाल सकते हैं, आप श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करके भी उनके शून्य ज्ञात कर सकते हैं। अब शून्य तो ज्ञात हो गए, उसके बाद उसने आगे और पूछा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो जब दो घात समीकरण दिया होता है तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल सूत्र क्या है माइनस के बी बटे ए, माइनस के बी बटे ए अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहां ऐसे भी लिख सकते हैं आप माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक या माइनस के बी अपॉन ए। ये तो हो गया शून्यकों का योगफल, या इसी को कह सकते हैं मूलों का योगफल। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल तो क्या है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, ये दिया है। अब इसकी सत्यता की जांच कीजिए, तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या है, ये आपके पास दो शून्यक हैं, तो शून्यकों का योगफल बराबर माइनस के बी अपॉन ए। तो एक तो शून्यकों का योगफल निकालें, इधर क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, अल्फा का मान कितना है 4 माइनस 2 बराबर माइनस बी, और बी का मान कितना हो जाएगा प्लस के 2, ए का मान कितना है 1, इधर भी कितना बचा 2 बराबर 2 यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटे ए यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, अल्फा की जगह 4 बीटा की जगह माइनस 2, सी का मान कितना है माइनस 8 बटे 1 यानी माइनस 8 बराबर माइनस 8, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये क्या सत्यता की जांच हो गई, शून्यकों का योगफल इस तरीके से योगफल रखिए, उधर शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो 2 बटे 1
दोनों साइडें बराबर आ गई, ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल सी बटे ए, इधर अल्फा इंटू बीटा चार और ऋण दो, इधर सी बटे ए का मान रखा तो ऋण आठ बराबर ऋण आठ लेफ्ट राइट के बराबर है, अतः उसके सत्यता की जांच होती है, सत्यता की जांच भी हो गई। ऐसे ही अब देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। मिटा दें, इसी का सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में लिखा है 4s² माइनस के 4s और प्लस का 1 बराबर में 0 कर लिया। पहले इनके शून्यक निकालिए, तो पहले का अंतिम का गुणा 4 जोड़ने पर आने चाहिए 4 दो दूनी 4 यानी 4s² माइनस 2 धन 2 s धन 1 बराबर 0, 4s² माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस के 1 बराबर 0, इन दोनों में 2s कॉमन तो 2s माइनस 1, इनमें माइनस का 1 कॉमन 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 दोनों में, यहां से भी बचा 2s माइनस 1, जब 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1 बटे 2, इससे भी उतना ही निकलेगा, तो उसके शून्य का निकलाए कितने 1 बटे 2 और 1 बटे 2, 2 आ गए। अब भाई शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल एक तो इस तरीके से निकालो कि 1 बटे 2 धन 1 बटे 2 कितना हो गया टोटल 1, एक तो ये तरीका रहा। दूसरा शून्यकों का योगफल, योगफल एक सूत्र लगा के माइनस के बी अपॉन ए, तो बी का मान कितना है माइनस के माइनस 4 हो गए बटे 4, इससे भी कितना आ गया 1, तो इन दोनों से शून्यकों का योगफल, एक तो इनका योगफल किया तब, एक सूत्र की सहायता से निकाला तब, दोनों बराबर आ गए। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी 1 बटे 2 गुणित 1 बटे 2 कितने हो गए 1 बटे 4, और यहां शून्यकों का गुणनफल सूत्र क्या होता है सी बटे ए, और सी का मान कितना है 1, ए का मान कितना है 4, इससे ये आ गया, तो सत्यता की जांच भी हो गई दोनों की। इसी के साथ उसका दिया गया थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में लिखा है 6x² माइनस 3 माइनस के 7x, सबसे पहले बराबर 0, सबसे पहले इसे मानक रूप में लिखिए 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0, पहले x घात 2 वाला, फिर x घात 1 वाला, फिर बिना घात वाला बराबर 0, यह है दो घात समीकरण लिखने का मानक रूप, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। अब कितने हो गए इनके फैक्टर कीजिए, 6 और 3 का गुणा 18, घटाने पर आने चाहिए 7, 9 दूनी 18, 6x² माइनस 9 माइनस 2x माइनस के 3 बराबर 0, 6x² माइनस के 9x धन के 2x माइनस 3 बराबर 0, इन दोनों में 3x कॉमन 2x माइनस 3, इनमें कुछ नहीं तो 1 कॉमन 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x माइनस 3 दोनों में कॉमन तो 3x प्लस 1 बराबर 0, जब 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर आ गया 3 बाई 2, एक यहां से जब 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस के 1 अपॉन 3, इसके दो शून्य आ गए 3 बटे 2
और माइनस के एक बटे दो। अब आपके पास वही सत्यता की जांच करने के लिए शून्यकों का योगफल, ये है शून्यक तीन बटे दो माइनस एक बटे तीन, दोनों का लघुत्तम लेंगे कितना आएगा, छह, नौ माइनस दो यानी सात बटे छह आ गया। और एक निकालिए सूत्र की सहायता से शून्यकों का योगफल कितना, माइनस के बी अपॉन ए माइनस बी का मान कितना है, प्लस के हो जाएंगे सात और ए का मान छह, ये आ गया। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, तीन बटे दो और माइनस के एक बटे तीन का गुणा, तो माइनस के एक बटे दो आ गए, तीन से तीन कट गए। यहां पर शून्यकों का गुणनफल क्या लिखे, सी बटे ए, सी का मान कितना है, सी का मान माइनस के तीन और ए का मान कितना है छह, इनसे ये कट जाएंगे, ये भी आ जाएंगे कितने, माइनस एक बटे दो। तो सूत्र की सत्यता की जांच भी हो गई, मतलब उनके गुणांकों की, और सवाल जिसके शून्यक भी आपने ज्ञात कर लिए। एक बार फिर मिटा देते हैं ना, और जो भी प्रश्न बचे हैं उन्हें नोट कर लीजिए। क्या है अगला, एक और कर देते हैं हम आपके लिए। देखिए लिखा हुआ है 4u² + 8u, फोर्थ पार्ट, 4u² + 8u क्या करना होगा, बराबर जीरो, 4u कॉमन, क्या बचा u + 2 बराबर जीरो। जब 4u बराबर जीरो तो u बराबर कितना आ गया, जीरो। जब u + 2 बराबर जीरो तो u बराबर -2 यानी इसके शून्य का आ गए जीरो और -2। इसके बाद शून्यकों का योगफल कितना है, जीरो माइनस टू यानी -2 आ गया। और एक बार सूत्र की सहायता से शून्यकों का योगफल कितना, माइनस के बी बटे ए, अब बी का मान तो ये है -8, ए का मान कितना है चार, कट गए इससे आ गया -2। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना, जीरो इंटू -2 टोटल जीरो। और अब सूत्र की सहायता से शून्यकों का गुणनफल कितना, सी बटे ए सूत्र होता है, अब सी का मान ही जीरो है तो ये आ गए। इस तरीके से जो पार्ट बचे हुए हैं आप ये पार्ट कर सकते हैं। चलो मैं सॉल्व कर देता हूं। पांचवा पार्ट लिखा है t² - 15 = 0। इसके फैक्टर कीजिए, क्योंकि ये वर्गांतर है, वर्गांतर है नहीं लेकिन बना सकते हो, क्या लिख सकते हो, √15² = 0। तो t - √15 एक कोष्टक में t + √15 = 0 अलग अलग कर दिए। जब t - √15 = 0 तो t = √15 एक तो ये आ गया, और एक t + √15 = 0 तो t - √15 आ गए, ये दो मूल मिल गए। अब ठीक वही तरीका है जैसे अभी आप करते रहे। शून्यकों का योगफल √15 ऋण √15 टोटल कितना आ गया, शून्य। एक सूत्र की सहायता से निकालिए शून्यकों का योगफल, तो माइनस के बी बटे ए, अब बी वाला टी वाला गुणांक है ही नहीं तो क्या होगा, जीरो, तो ये जीरो ही रहेगा। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल कितना, √15 एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक √15 तो माइनस का कितना आ गया, 15। एक सूत्र की सहायता से
शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल करेंगे तो क्या है सूत्र, सी बटे सी का मान माइनस 15 बटे एक, इससे भी आ गया माइनस 15। ये सत्यता की जांच भी हो गई उसमें। इसके बाद लास्ट वाला आप स्वयं कर लेना, कोई खास बात नहीं है, उसके गुणनखंड आप आसानी से कर सकते हैं। अब विचार करते हैं हम किसका, क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो, एक दो घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः नीचे दी गई संख्याएं हैं। तो दो घात समीकरण कैसे बनाते हैं, दो घात समीकरण यानी एक्स स्क्वायर माइनस, यहां क्या होता है शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्य, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। ये दो घात समीकरण जब बनाना हो तब, अब फर्स्ट पार्ट में दिया जा रहा है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल दिया है एक बटे चार और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दिया है उसके अंदर माइनस वन। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, द्विघात बहुपद क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्य। एक्स स्क्वायर माइनस इसका मान कितना है एक बटे चार और यहां इसका मान कितना है माइनस वन बराबर जीरो। एक्स स्क्वायर एक बटे चार एक्स माइनस के वन बराबर जीरो, चार लघुत्तम ले लिया तो क्या आ गया चार एक्स स्क्वायर माइनस एक एक्स माइनस चार बराबर जीरो, के नीचे कुछ नहीं तो एक कैंची का गुणा किया तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस चार बराबर जीरो। ये आ गया दो घात समीकरण। आप इस तरीके से प्रत्येक का दो घात समीकरण भी निकाल सकते हैं। आगे सेकंड पार्ट में दिया जा रहा है, क्या क्या दिया जा रहा है, शून्यकों का योगफल रूट टू, शून्यकों का योगफल बराबर दिया है रूट टू और शून्यकों का गुणनफल बराबर दिया है कितना एक बटे तीन। आप दो घात बहुपद बनाइए तो दो घात बहुपद क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्य। एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस एक बटे तीन बराबर जीरो, तीन का गुणा कर दें अगर पूरे में तो क्या होगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के तीन अंडर रूट दो एक्स प्लस का वन बराबर जीरो। ये दो घात समीकरण प्राप्त हो गया। ऐसे ही और भी इसके पार्ट बचे हैं, आप आसानी से इन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं सॉल्व करता हूं, वैसे चलो जीरो रूट फाइव थर्ड पार्ट में दिया गया है, जीरो और रूट फाइव मतलब शून्यकों का योग कितना दिया गया जीरो और शून्यकों का
गुणनफल कितना दिया जा रहा है, रूट फाइव। द्वय घात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस ये तो जीरो हो गए और यहाँ क्या है रूट फाइव, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव बराबर जीरो। दो घात समीकरण प्राप्त हो गया। पॉइंट नंबर चौथा क्वेश्चन है इसी के साथ, वन कौमा वन, तो वन कौमा वन वाला कर लेना, हम पांचवा कर रहे हैं ठीक। वन कौमा वन तो सरल ही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स प्लस वन ये आ जाएगा। फिर दिया है माइनस के एक बटे चार और एक बटे चार। अब अगर शून्यक नहीं भी लिख के आता है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल दिया माइनस के एक बटे चार और मूलों का गुणनफल वो भी कितना एक बटे चार। दो घात समीकरण बनाना है या दो घात बहुपद लिखना है तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर शून्य। एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस के एक बटे चार एक्स और प्लस एक बटे चार बराबर जीरो। कितना हो गए एक्स स्क्वायर धन के एक बटे चार एक्स धन के एक बटे चार बराबर जीरो। चार लघुतम लेके गुणा कर दिया, फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो। दो घात समीकरण प्राप्त हो गया आपको। लास्ट में लिखा है चार कौमा एक, इसे तो आप कर ही सकते हो आसानी से। चार कौमा एक मतलब शून्यकों का योग कितना दिया गया चार, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया एक, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बनाना है तो क्या लिखना होगा एक्स स्क्वायर शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्य। एक्स स्क्वायर माइनस कितना चार एक्स प्लस कितना वन बराबर जीरो। अब बहुपद की बात ही करते हैं तो आप ऐसा भी बाद में लिख के छोड़ सकते हो, शून्य का बराबर नहीं लिखा। इस तरीके से आपकी 2.2 एक्सरसाइज पूर्ण हो गई। अब 2.3 अगले वीडियो में देखिएगा। थैंक यू।